हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिंपनी 6 सीरीज। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक एपीआई के बारे में कि एपीआई हम कैसे बनाएंगे। ये बेसिक है तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैंने तीन चीज नीचे दी हुई है। एक तो आपको टेबल्स की जरूरत है, तो मैं प्रोडक्ट्स नाम की एक टेबल मैंने बना रखी है और एक एंटिटी बनेगी प्रोडक्ट नाम की और एक कंट्रोलर बनेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम से। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर लिया है इंजीनक्स और MySQL और PHP फास्ट CGI, तीनों मेरे सर्वर रेडी हैं। तो मैं यहाँ पर पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हम जो टेस्टिंग करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले से मैंने एक कंट्रोलर बनाया हुआ है, आपने पहले वीडियो में देखा होगा किस तरह से हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एंटिटी कहाँ पर है। प्रोडक्ट नाम की एंटिटी मैंने पहले से बनाई हुई है, तो यहाँ दिखा देते हैं। देखिए कुछ मैंने फील्ड्स लिए हुए हैं यहाँ पर, ID, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ देखिए यह है प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ये प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, आपने देखा होगा पहले वीडियोस में हमने कैसे इसको क्रिएट किया था। सिंपल दो फंक्शन यहाँ पर गिवन है, ऐड हो गया एक रिमूव। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रोडक्ट रिपोजिटरी और प्रोडक्ट एंटिटी। और अब हम चलते हैं कंट्रोलर पर, प्रोडक्ट कंट्रोलर पर, और यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, मेथड बनाएंगे कुछ। फिलहाल तो अभी यहाँ देख पा रहे हैं, अब आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है कि मैं एक छोटी सी आउटपुट ने दी हुई है। तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं और पोस्टमैन में हम यहाँ पर URL दे देते हैं और URL हमारा होगा जो मेथड होगा गेट होगा। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे एक प्रिंट कराया था JSON में, दिस इज इंडेक्स मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड है आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट नाम की टेबल है हमने क्रिएट की हुई है और एक एंटिटी हमने प्रोडक्ट नाम की एंटिटी बनाई हुई है और एक कंट्रोलर। तो दोस्तों हमें क्या करना है, कंट्रोलर में जो इंडेक्स मेथड है उसमें हमें जितने भी प्रोडक्ट है उसको हमें शो कराना होगा। तो यहाँ पर हम चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ मैं पहले से कोड लिखा हुआ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन के आपने सुना होगा, एक डॉक्ट्रिन का कैसे हमने यूज किया था लास्ट वीडियोज में। तो यहाँ पर मैं डॉक्ट्रिन परसिस्टेंस और मैनेजर रजिस्ट्री ये हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्लास का। तो यहाँ पर हम इसे लोड करा लेंगे मैनेजर रजिस्ट्री को और इसको लोड कराकर अब हमने गेट रिपोजिटरी का यूज करते हुए फाइंड ऑल एक फंक्शन हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं जिससे सारा जितना भी डेटा होगा यहाँ हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा, यानी ब्राउजर पर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, जितना भी डेटा होगा दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने यूज किया है डॉक्ट्रिन और गेट रिपोजिटरी और वहाँ हम फंक्शन यूज करें। अब मैं इसको सेंड पर कर देता हूँ क्लिक। अब देखिए यहाँ पर जितना भी डेटा था वो ये ब्राउजर पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो ब्राउजर पर तो हम डिस्प्ले ही करा पाएंगे, उससे ज़्यादा हम मेथड नहीं चला पाएंगे यहाँ पर API के। तो यहाँ पर देखिए पोस्टमैन में आते हैं और ये सारा जो डेटा है जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये रहा हमारा गेट मेथड का यूज करके हमने जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करा लिया है। तो दोस्तों ये था सिंपल था, इसी तरह से अब हम आगे बनाएंगे प्रोडक्ट हम कैसे ऐड करेंगे और अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, इस तीनों पर हम तीनों चारों फंक्शंस देखेंगे अभी बनाकर। तो ये एक सिंपल सी एक बेसिक API है जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि API हम कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम एंटिटी का यूज कर रहे हैं और किस तरह से हम प्रोडक्ट रिपोजिटरी का हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम शुरू करें ऐड प्रोडक्ट, हम दोस्तों इसमें प्रोडक्ट ऐड कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, पहले मैं राउट्स लिख लेता हूँ इसके, ऐड प्रोडक्ट्स और नेम में दे देता हूँ। उसके बाद मैं फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अभी बताऊँगा आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, अब आप देख पा रहे हैं सिंपल जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट में हमने एक लोड कराया, हमने मैनेजर रजिस्ट्री जैसे ऊपर कराई थी हमने, सिंपल एक रिक्वेस्ट ले लिया हमने, रिक्वेस्ट को लोड करा लिया। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एंटिटी का। उसके बाद हमने यहाँ पर पैरामीटर लिया, पैरामीटर में JSON डिकोड जो पोस्टमैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर पोस्टमैन से जो भी आप सेंड करेंगे डेटा वो इस तरह से लेकर आएंगे और उसको एक एक करके हम सेट करा देंगे, सेट नेम, सेट प्राइस, सेट क्वांटिटी और नीचे जो है हम लास्ट में डॉक्ट्रिन गेट रिपोजिटरी में ऐड जो फंक्शन है वहाँ पर ये प्रोडक्ट को हम ऐड करा लेंगे। तो देखिए जैसे डेटा हम पोस्टमैन से वहाँ से पोस्टमैन में हम लिखेंगे डेटा कि क्या डेटा हमें एंटर करना है, तो वो हमारा जो पैरामीटर हम ले रहे हैं उसमें हम सेव करा रहे हैं JSON डिकोड करके और डेटा हम सेंड करेंगे रो से, रो का यूज करेंगे हम। तो बस सिंपल सा कोड है
अब देखिए मैं यहाँ पर एक और टैब ओपन कर लेता हूँ, और टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर यूआरएल दे देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, चलिए मैंने ऐड प्रोडक्ट किया है, और इसके बाद ऐड प्रोडक्ट के बाद सेंड करेंगे तो कुछ अभी गेट यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे पोस्ट। तो जो मेथड यूज करेंगे पोस्ट करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि आप पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक जो हमें ऐड करना है न्यू प्रोडक्ट, तो इसी को मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक से लिख लेता हूँ। और यहाँ पर हम एक देखेंगे किस तरह से हम प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट इसका ठीक कर लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लूँगा और इसको हम ऐड करा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ जेसन, और यहाँ पर जो ऐड करेंगे कैसे करेंगे, ये डेटा हमारा उस मेथड में जा रहा है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट में जाएगा और वहाँ हम उसको सेव करा रहे हैं। तो सिंपल ये हमने यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, इस नाम से कोई डेटा नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, और सेंड करूँगा तो यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए नीचे सेव्ड का, देखिए बिल्कुल सेव आ गया, सेव्ड हो गया। तो ये अब मैं चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, सेंड किया मैंने, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। इस तरह से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो डेटा मैं बताया था वो कहाँ से मिल रहा है हमें, वो यहाँ पर आ रहा है जो पैरामीटर में जेएसएन डिकोड कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट गेट कंटेंट, ये वो डेटा आ रहा है यहाँ पर। उसको हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बनाया है प्रोडक्ट, उसमें हमने इसको असाइन करा दिया, सेट नेम, सेट प्राइस, सेट, ठीक है, और यहाँ हमने सेव करा दिया। तो ऐड जो फंक्शन है हमारा गेट रिपोजिटरी में, ऐड फंक्शन हम जो निकाल के ला रहे हैं उसमें हमने प्रोडक्ट को ऐड करा दिया। तो दोस्तों ये रहा सिंपल सा ऐड। अब हम यूज करते हैं शो करना, मान लीजिए एक पर्टिकुलर आईडी है और उसका डेटा हमें शो करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ हम पहले राउट लिख लेते हैं शो, और स्लैश में दे देते हैं आईडी, जो हमें आईडी पास करनी होगी, और एक नेम ले लेते हैं, फिलहाल तो भी नेम का कोई ज्यादा यूज नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ मैं, सिंपल वही उसी तरह से हो गए। सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पर मैनेजर और रजिस्ट्री जो होगी वो लोड करा लेंगे, और उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया है, और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन गेट रिपोजिटरी, और ये फाइंड हमने किया आईडी। तो आईडी के थ्रू हम डेटा ला रहे हैं, एक आईडी पास होगी पोस्टमैन से, वो आईडी हमने यहाँ पर पास कर लिया, तो ये डेटा लेकर आ जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर एक एरर मैसेज हम शो करना चाहते हैं कर देंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, यानी कि जो हम पहले चेक करते हैं कि वो जो आईडी हम डिलीट करना चाहते हैं वो हमें मिल रही है ठीक से, नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ एक टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं एक यूआरएल सेट कर देता हूँ, यूआरएल पे मैंने सॉरी ये है शो का, शो के लिए है, डिलीट का नहीं है, मैं लिख देता हूँ शो, शो करेंगे, और मैंने लिख दिया यहाँ आईडी, देख लेते हैं आईडी नंबर 2 ले लेते हैं, शो के बाद में आईडी पास करा देता हूँ 2, और जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और नहीं होगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। देखिए 1 नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो नोट नो प्रोडक्ट फाउंड आ गया, वो इसकी वजह से आया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरर। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें लिख दे 2 2, इसको मिल जाएगा तो वो डिस्प्ले करा देगा, उसने डेटा डिस्प्ले करा दिया। तो ये एक पर्टिकुलर आईडी को डिस्प्ले करा रहा है, एक आईडी पर डेटा डिस्प्ले करा रहा है, तो इस तरह से आप शो करा सकते हैं एक पर्टिकुलर आईडी। तो ये तो रहा दोस्तों एक रिकॉर्ड को शो करने का, अगर रिकॉर्ड होगा तो शो कराएगा, अदरवाइज वो हमने एक एरर शो कर दिया उसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देता है, 40 नंबर का जो प्रोडक्ट है जो आईडी वो डेटा नहीं है, मैं 4 कर लेता हूँ इसको। तो देखिए ये तो रहा शो का हमें, ठीक है, और सिंपल जेसन का यूज कर रहे हम। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बचा है डिलीट का, हम एक पर्टिकुलर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, यानी एक रिकॉर्ड हम एक आईडी का यूज करेंगे और उसका स्पेसिफाइड आईडी का जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल एक राउट लिख लेता हूँ पहले, तो राउट हम लिख लेंगे, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया, वाला फंक्शन तो बनाना होगा, पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ भी वही यूज करेंगे, मैनेजर रजिस्ट्री का यूज करेंगे हम, और यहाँ हम पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आईडी के अकॉर्डिंग हमें डेटा को हम लेकर आएंगे, ये फाइंड करेंगे, तो सिंपल वही होगा गेट, ये यहाँ देखिए यहाँ पर हो रहा है मैनेजर रजिस्ट्री का भी यूज कर रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट का देखेंगे अभी। तो हमने यहाँ पर एक एंटिटी मैनेजर में सेव करा लिया है, डॉक्ट्रिन गेट मैनेजर, उसके थ्रू हमने
गेट रिपोजिटरी का यूज करते हुए हमने फाइंड कर ली एक आईडी, तो इस आईडी पर एक रिकॉर्ड आ जाएगा। आईडी कहां से मिलेगी? पोस्टमैन में जो हम आईडी सेंड करेंगे वो यहां पर आ जाएगी। तो मैं यहां पर एक, यहां मैं लिख लेता हूं जेसन में जो भी हम कुछ मैसेज सेंड करेंगे वो मैं यहां लिख लेता हूं, यानी डिलीटेड कर लेता हूं। फिलहाल तो मैं प्रोडक्ट कर लेता हूं कि हम चेक करना चाहते हैं कि वो हमारी आईडी हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। तो यहां मैं एक टैब ओपन कर लेता हूं, और टैब ओपन करने के बाद में यहां कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, और उसके बाद जो यूआरएल हमने दिया है एंड पॉइंट वो हम यहां लिखेंगे। तो यहां कर लेते हैं हम डिलीट प्रोडक्ट, और यहां हम लेंगे डिलीट। जो मेथड होगा हमारा वो डिलीट होना चाहिए, पोस्ट तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। चलिए मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ सेकंड नंबर, और यहाँ देखिए एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि नो राउट फाउंड फॉर पोस्ट। दरअसल हमें क्या करना है, हमें पोस्ट का यूज नहीं करना है, हमें करना है डिलीट का, क्योंकि यहाँ पर हम ये हम अपडेट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट का है, वो गलती से मेरे जो है मुंह से निकल गया। तो यहाँ हम अपडेट के लिए बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर आईडी हमने सेकंड फाइंड किया, तो देखते हैं वो पहले हमें आईडी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जैसे हमने सेव का बनाया था उसी तरह से हमें अपडेट का बना रहे हैं। तो मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, आईडी की हमें जरूरत नहीं, आईडी तो हम ऊपर से यहाँ सेंड कर ही रहे। तो जो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सी आईडी को हम अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट करेंगे आईडी पर। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ सेकंड नंबर से हमारी आईडी है, तो मैं यहाँ पर आईडी टू का मैं जो ये रिकॉर्ड है पहले मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए लिख लेता हूँ। तो ये डिलीट के लिए हम नहीं बना रहे, मेरे मुंह से थोड़ा गलती से निकल गया था, तो क्षमा करें दोस्तों, क्षमा करें। अब देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अपडेट के लिए। तो अब हम ये चेक करना था कि चाहते हैं कि वो आईडी जो है उस आईडी का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा है, और अगर हमारे पास वो रिकॉर्ड आ रहा है तो ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर हम वही करेंगे जैसे जो आप वहाँ सेंड कर रहे हैं रिकॉर्ड, वो यहाँ पर आना चाहिए। तो पैरामीटर इक्वल टू जेसन डिकोड, जो आप वहाँ से रो डेटा यहाँ आ रहा है सेंड कर रहे हैं रो बोर्ड, ठीक है ना, रो से आप रो से सेंड करें तो वो डेटा वहाँ पर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो हमें डेटा वो मिल रहा है, ओके, तो हमें डेटा वो मिल गया है जो हमने वहाँ सेंड कर रहे हैं जिससे। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल वही है जो अभी ऊपर बनाया था हमने फंक्शन। तो जो पैरामीटर में हमारा डेटा मिल रहा है तो वहाँ से एक एक करके हम इसको सेट करा लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो प्रोडक्ट आईडी आई है उसमें हम इसको सेट करा लेते हैं। तो सेट नेम, सेट प्राइस और सेट क्वांटिटी। उसके बाद क्या करते हैं, मैं दो तरीके बताता हूँ आपको। अगर आपको एंटिटी के थ्रू आपको सेव करना तो फ्लश का यूज करेंगे, और पहले मैं एंटिटी फ्लश का यूज करके बताता हूँ, फिर उसके बाद मैंने कमेंटेड किया हुआ है दूसरा, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने फ्लश कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने सेंड किया तो अपडेटेड, अब आप देख पा रहे हैं अपडेटेड डेटा। मैं चेक कर लेते हैं सेकंड में, यहाँ मैं रिफ्रेश करना होगा यहाँ पर, सॉरी कुछ चेंज कर लेते हैं, अभी हमने चेंज नहीं किया था। और चेंज करने के बाद देखेंगे डेटा अपडेट हो रहा है। चलिए यहाँ देख ले, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चेंजेस हो गया है। तो ये है अपडेटेड, यानी कि डेटा हमारा अपडेट हो रहा है, ठीक से हमारे काम कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है, जो हम ये अपडेट कर रहे हैं नया रिकॉर्ड जो अपडेट करके सेंड करें कहाँ जा रहा है, यह वहाँ पैरामीटर नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसमें हम इसको ले रहे हैं, और उसके बाद हम इसको जो आईडी हमने पे रिकॉर्ड जो फेच किया था उसमें हम इसको अपडेट कर रहे हैं, चेंजेस करके फिर से सेव कर रहे हैं इसको, यानी कि अपडेट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं अपडेट हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो अब ये फ्लश तो हमारा काम ठीक से कर रहा है। अब हम बनाएंगे डिलीट के लिए, हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये तो बेसिक वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले, और हमें भी पता चले कि हम ठीक से वीडियो बना रहे नहीं बना रहे, आप कमेंट जरूर करें। तो ऐसी बहुत सारे वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिलीट के लिए फिर वही सिंपल सी चीज़ होगी, हमने यूआरएल सेट कर दिया है, तो फिर वही होगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया था हमने, ठीक है। मैनेजर रजिस्ट्री का हम यूज करेंगे, और ये डॉक्ट्रिन गेट मैनेजर, उसके बाद एंटिटी मैनेजर गेट रिपोजिटरी, और ये फाइंड करेंगे आईडी। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट की तो मुझे जरूरत नहीं है, वो हटा दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं एक आईडी के थ्रू मैं डेटा ला रहा हूँ। आईडी कहाँ से पास करेंगे, पोस्टमैन से, और जब वो आईडी
यहाँ मिल जाएगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ कि वो आईडी हमारे पास उसका डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम एक टैब ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेट करते हैं। यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यूआरएल सेट कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया और एंड यूआरएल हम लिखेंगे। तो जो हमने यहाँ पर लिखा है डिलीट प्रोडक्ट, उसके बाद एक आईडी, तो किस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे डिलीट, तो यहाँ डिलीट मेथड यूज कर लेते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो आईडी है आप चेक कर सकते हैं 20 नंबर की, इस आईडी को डिलीट करना है और चेक करेंगे डिलीट हुआ नहीं हुआ। मैं 20 लिख देता हूँ और इसको सेंड पर क्लिक करूंगा, तो अभी क्या होगा, अभी तो ये रिकॉर्ड शो करेगा, क्योंकि हमने अभी ये दिखाएगा कि इस आईडी पर जो रिकॉर्ड है वो पहले शो कराओ। तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारे काम ठीक चल रहा है। अब इसको हम डिलीट करेंगे, तो डिलीट कैसे करेंगे, सिंपल सा मैं वहां लिख देता हूँ, एक मैसेज देता हूँ डिलीटेड, अब मैसेज आएगा। और डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर में जो कमेंटेड इसको ओपन कर लेता हूँ, गेट रिपोजिटरी, और यहाँ रिमूव, और ये प्रोडक्ट यानी कि ऊपर जो आईडी से डेटा आ रहा है वो मैंने वहां लिख दिया। मैंने जैसे इसको सेंड किया तो देखिए डिलीटेड, चेक कर लेते हैं 20 नाम की आईडी डिलीट होगी या नहीं होगी। अभी तो है, रिफ्रेश करते हैं यानी कि सेंड करते हैं फिर से, तो क्या डिलीट हो गया। तो एक बार और मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक आईडी और डिलीट करता हूँ 18 नंबर की, और फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एडवांस में, हैव अ नाइस डे। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा, अभी मैं बेसिक पर हूँ, तो मैं बेसिक अभी बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने एक चीज बताया था आपको, इसको मैं कमेंटेड करता हूँ, अपडेट करने के लिए मैंने एक छूट गया था मेरे से, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन था मैं उससे अपडेट करके दिखाता हूँ आपको, कुछ चेंजेस करके जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी का हम यूज करके कर रहे हैं। सिंपल देखिए, अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ देख पाएंगे ये जो डेटा है हमारा अपडेट हो गया है। तो इस तरह से हमने दो तरह से अपडेट कर सिंपल सीखा था हमने, एक तो एंटिटी के थ्रू, और देखिए यहाँ पर मैंने सेंड किया, ठीक है, और एक रिपोजिटरी के थ्रू, तो दोनों मैंने बता दिया आपको अपडेट के भी। तो दोस्तों इस तरह से ये था एपीआई का, और हम नेक्स्ट टाइम लेकर आए कुछ नया, ये रिस्पांस के लिए यूज कर रहे हैं हम, ये रिक्वेस्ट के लिए, राउट के लिए। तो ये हमारा था वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आऊंगा मैं नया, और थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो जरूर लंबा है लेकिन आपको बहुत अच्छी हेल्प इससे